नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्तिक लव चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में Realme 8 Pro के अंदर एक ऐसे लॉक स्क्रीन के सेटिंग के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि यह लॉक स्क्रीन सेटिंग के बारे में आप सबको बहुत ही जानना जरूरी है फ्रेंड्स, जो कि आप अगर फ़ोन में यह लॉक स्क्रीन का सेटिंग नहीं करके रखते हैं फ्रेंड्स, तो मान के चलिए आपका फ़ोन कभी गुम हो जाता है तो क्या है कि आप अपना फ़ोन को लॉक भी इस तरह करे रखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको नोटिफिकेशन बार को इस तरह स्लाइड करके, जैसे कि अभी देखें फ्रेंड्स मेरा नोटिफिकेशन बार जो कि यहाँ पे स्लाइड नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपका फोन में ऐसे इस तरह के लॉक स्क्रीन में भी स्लाइड इस तरह हो रहा है आपका नोटिफिकेशन बार फ्रेंड, तो उसमें क्या होगा कि आपका कोई भी एक्सेस कर सकता है, आपका फ़ोन को स्विच ऑफ कर सकता है फ्रेंड्स, या फिर उसको साइलेंट में कर सकता है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा किस तरह आप अपने लॉक स्क्रीन को, नोटिफिकेशन बार को भी लॉक अप कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीक़े से फ्रेंड्स, जो कि आपको किसी अदर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, जो कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि यूट्यूब पर डाला हुआ है वीडियो फ्रेंड्स के अदर एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने के लिए बताता है, उसके बाद आप अपने नोटिफिकेशन बार को लॉक यहाँ पर कर पाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में एक ऐसा ही सेटिंग बताऊँगा जो कि आपके Realme फोन के अंदर में वह सेटिंग है, और आप उस सेटिंग के जरिए बहुत ही आसानी से अपने नोटिफिकेशन बार को भी बहुत ही आसानी से लॉक स्क्रीन में लॉक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें। दोस्तों मैं इस चैनल पर एंड्रॉइड से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो मैं लाता रहता हूं, तो प्लीज फ्रेंड्स आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह आप अपने लॉक स्क्रीन में सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं और उसको किस तरह आप कस्टमाइज आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैं अपना लॉक को खोल लेता हूं, उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे आप अपने फोन के सेटिंग में आपको आना होगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखें फ्रेंड्स, क्योंकि यह वीडियो है कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ फ्रेंड्स जरूर से जरूर लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। तो इसके लिए फ्रेंड्स जैसे कि मैं अपने फ़ोन के सेटिंग में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो देखिए मैं अपने फ़ोन के सेटिंग में आ गया हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे जाएँ, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पुल डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू एक्सेस नोटिफिकेशन डन, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको अगर इस तरह आप ऑफ कर ऑन कर देंगे फिर यहाँ पे देखें, मैं इसको यहाँ पे अपने फ़ोन को लॉक करता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे ही मैं लॉक करूँगा फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए यह है जो कि अब मैं एक उंगली से इसको नोटिफिकेशन बार को यहाँ पे मैं स्लाइड कर सकता हूँ, लेकिन आपके फ़ोन में वह सेटिंग इस तरह ऑन रहेगा, उसको ऑफ करके आपको रखना होगा फ्रेंड, तभी आपका है जो कि नोटिफिकेशन बार को इस तरह आप स्लाइड करेंगे तो वो नहीं आएगा फ्रेंड। जैसे कि देखिए मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए लॉक है फिर भी मेरा है जो कि यहाँ नोटिफिकेशन बार खुल गया। यहाँ पे मैं नेट को भी ऑफ ऑन कर सकता हूँ, साइलेंट कर सकता हूँ, यानी कि मेरा फ़ोन चोरी हो जाएगा तो मेरा फ़ोन है कि सारा एक्सेस कर सकता है यहीं से फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको उस सेटिंग कर रखेंगे फ्रेंड, जैसे कि देखिए मैं इसको लॉक खोल देता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स इस सेटिंग को यहाँ पर मैं बंद कर दिया हूँ। बंद करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, अब मैं इसको बंद कर दिया हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे लॉक करूँगा, तो देखिए लॉक किया फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए मैं अपने नोटिफिकेशन बार को इस तरह कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो जो कि ये सेटिंग है जो कि बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन और मैं कुछ लॉक स्क्रीन के ही सेटिंग में आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं इसको इस तरह कर दिया, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे देखें मैनेज नोटिफिकेशन है, मैनेज नोटिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक कर दें फ्रेंड। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देखें आपको यहाँ पर तीन नया हिडन फीचर आपको आ गया फ्रेंड, जो कि यहाँ पर देखें फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले टाइटल एंड बॉडी, यानी कि आपको इस पर क्लिक करके रखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे डिस्प्ले जो भी आपके लॉक स्क्रीन में आएगा नोटिफिकेशन मान के चलिए उसको आप ऑन करके रखते हैं, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन आएगा टाइटल, और उसमें जो वीडियो फोटो वगैरह जो नज़र आता है वो भी आपको नज़र आएगा। और उसके बाद फिर से यहाँ पे देखें डिस्प्ले टाइटल ओनली, यानी कि सिर्फ उसमें टाइटल लिखा हुआ है, जैसे कि मस्ती क्लब का नोटिफिकेशन आया तो यहाँ पे सिर्फ मस्ती क्लब का नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, ना कि मेरा इमेज उसमें नज़र नहीं आएगा फ्रेंड्स। और वहाँ पे उसके बाद सबसे नीचे में फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट शो, यानी कि आप डू नॉट शो पे अगर आप क्लिक कर देते हैं फ्रेंड, तो आपका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो लॉक स्क्रीन पर यहाँ पर आपको शो नहीं करेगा फ्रेंड। जो कि फ्रेंड्स यह अगर रियलमी 8 प्रो आप फोन यूज कर रहे हैं फ्रेंड, तो यह सेटिंग आप सबको जानना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि यह
सेटिंग बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है फ्रेंड्स। अगर आप यह सेटिंग को नहीं करते हैं, बाय चांस आपका फ़ोन गुम हो जाता है, तो बहुत ही आसानी से आपका फ़ोन को साइलेंट में कर देगा और वह मोबाइल पे जब आप कॉल करेंगे तो फ़ोन रिंग ही नहीं हो पाएगा फिर। तो इस वजह से फ्रेंड्स आप इस सेटिंग को लॉक स्क्रीन में आप जरूर कर रखें फ्रेंड्स, ताकि आपको कभी आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कॉमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इस सभी जगह आप बहुत ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड, ताकि सभी फ्रेंड के पास यह जानकारी मिल जाए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।